इस सवाल को, पी क्यू आर और एस चार पॉइंट है स्पेस में, चारों का पोजीशन वेक्टर हम दिए हैं, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर, ओआर वेक्टर, ओएस वेक्टर। क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस के बारे में, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलैटरल, वो क्वाड्रिलैटरल चार ऑप्शन दिया होगा, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है। पी क्यू आर एस अभी हम जानते नहीं है, स्पेस में कुछ इस तरह से है, ऐसे 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 कुछ, इन चारों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमको उस क्वाड्रिलैटरल के बारे में बताना है। यहां हम लिख रहे हैं ये पी क्यू आर और एस लिख रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट पी है, क्यू एक, आर और एस है, ओ के रेस्पेक्ट, हम पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, उसी तरह से एस आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर और पी एस वेक्टर। और अगर पी क्यू वेक्टर एस आर वेक्टर इक्वल वेक्टर आ गया, क्यू आर वेक्टर पहले लिख लेते हैं, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर मतलब दिस माइनस दिस, तो सिक्स वन जीरो, दिस इज सिक्स वन जीरो। क्यू आर वेक्टर मतलब ओ आर माइनस ओ क्यू, दिस माइनस दिस, माइनस वन थ्री एंड जीरो। एस आर वेक्टर मतलब ओ आर माइनस ओ एस, दिस माइनस दिस, सिक्स वन जीरो। अगर आप आर एस वेक्टर लिखे होते तो माइनस सिक्स माइनस वन जीरो आता। पी एस वेक्टर माने ओ एस वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, दिस माइनस दिस, माइनस वन थ्री एंड जीरो। बस अब इसी को देख करके हम लोग इस क्वाड्रिलैटरल का शक्ल क्या होगा वो निष्कर्ष निकल गया, क्योंकि ये वेक्टर बराबर है और ये वेक्टर इक्वल है, तो पैरेललोग्राम तो हो गया। पर और भी डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में दिया होगा कि रेक्टेंगल है कि नहीं, यानी ये एंगल चेक करना होगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, एंगल निकालने के लिए तो यही करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो एंगल निकल जाता है। डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट किए, माइनस सिक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। और स्क्वायर है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड है रूट अंडर सिक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट 37, इसका मैग्नीट्यूड है रूट 10, तो लेंथ अलग अलग है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो तब ये रोम्बस कहलाता है। तो चार ऑप्शन में से होगा, अब हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जो डिस्क्रिप्शन चाहते हैं हम दे सकते हैं। दो वेक्टर है v1 और v2, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इक्वल टू कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। v1 वेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल, सब बात को लिखते जाएं, जैसे ही बोलिएगा कि एक वेक्टर a दूसरे वेक्टर b के साथ कोलिनियर है, पैरेलल माने कोलिनियर, तो हम तुरंत ये बात लिखेंगे v1 वेक्टर इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स 1 माइनस 1 1,
यही पैरेलल का मतलब, वी टू वेक्टर परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर। तो हम अगर वी टू वेक्टर को मान लें कुछ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, अर्थात 2x डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जीरो होना चाहिए, 2x माइनस जेड मस्ट इक्वल जीरो। जो जो बात बोल रहा है अंग्रेजी में, हम उसको अपने वेक्टर अलजेब्रा के भाषा में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। एक जानकारी और है कि दोनों वेक्टर का जो सम है वो इक्वल टू 3, 4, 7 है, यानी m प्लस x इज इक्वल टू 3 है, माइनस m प्लस y इज इक्वल टू 4 है, और m प्लस z इक्वल टू 7 है। अननोन का संख्या है 4, x, y, z और m, और 4 इक्वेशन है आपके पास, यानी पक्का हो गया कि हम इन चारों को सॉल्व करके v1 वेक्टर भी पता लगा लेंगे और v2 वेक्टर भी। जैसे हम यहां z के जगह 2x लिख दें और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x बराबर 4 आ जाएगा, 2x प्लस m, mm कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4, z बराबर 8 और m बराबर, जब x का वैल्यू 4 आ गया तो m बराबर -1 और यहां पुट कर दें तो y बराबर 3, यानी वेक्टर v1 हो गया -1, 1 एंड -1 और वेक्टर v2 हो गया 4, 3 और 8। अब क्वेश्चन था v1 स्क्वायर यानी v1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम निकालना। v1 स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और v2 स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 25 प्लस 64 इट इज 89 एंड दोनों का सम इज 92। मैथ्स का जो सवाल सब होता है वो अंग्रेजी में लिखा होता है और हमको उसको अपने भाषा में ट्रांसफॉर्म करना है। ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर दिया हुआ है यानी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ए और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4 यानी ए और सी के बीच का एंगल दिख गया। ए डॉट सी मतलब ए इंटू सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, सी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल को अल्फा कहें तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/4 है, ये दिया हुआ है। और एक और रिलेशन दिया हुआ है ए बी सी वेक्टर्स में, 2 times b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, इतना जानकारी है और a डॉट b का वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको अगर ऐसे लिख दें 2b-c क्रॉस a बराबर 0 इस स्टेटमेंट को एक ही तरफ सबको इकट्ठा कर लें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो कोई दो वेक्टर के बारे में कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 कोई दो वेक्टर के बारे में ऐसा, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं a और b के बारे में कि दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। a क्रॉस b का मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब दोनों कोलिनियर होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो इसको देखते के साथ हमको समझ जाना था
कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, यानी हम 2b-c वेक्टर को कुछ m टाइम्स a वेक्टर मान सकते हैं, या c वेक्टर को हम समथिंग इनटू a प्लस समथिंग इनटू b। इनफैक्ट एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ समझ में आ गया कि a, b, c तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्योंकि हम लोग यही सीखे हैं कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो निश्चित रूप से एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। यही कोप्लेनारिटी का यही डेफिनेशन है। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम स्केलर टाइम्स द अदर वेक्टर। कोप्लेनारिटी का मतलब एक प्लेन में तीन वेक्टर, मतलब एनी वन ऑफ देम आप ए को चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी, बी को चाहें तो यूनिकली कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमको यह समझ में आया, विच मीन्स दिस, इतना समझ में आया कि वो सिर्फ कहना चाह रहा था कि ए बी सी कोप्लेनार वेक्टर्स है, यानी केवल कोप्लेनार नहीं बोल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है। माने केवल कोप्लेनार बोले होते ना शब्दों में, कैसे बोलते कि कोप्लेनार है, ऐसे बोलते ए बी सी जीरो है। तीन वेक्टर को अगर हमको बताना है कि कोप्लेनार है तो देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, कोप्लेनारिटी कंडीशन को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और अगर सी वेक्टर इसी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी के साथ उसका डॉट डॉट करने पर जीरो आ जाएगा। तो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उसका कोप्लेनारिटी कंडीशन ऐसे लिख सकते थे, यानी हम अगर ऐसा स्टेटमेंट दिए होते इस स्टेटमेंट के बजाय तो उससे आप निष्कर्ष निकालते, किसी एक को जरूर निकालते, किसी को हम एक्सप्रेस करें, किसी एक को आप एक्सप्रेस कर लेते एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। लेकिन यहां एक्स्ट्रा जानकारी है, ये वाला स्केलर दिया हुआ है, केवल इतना लिखते तो आपको ये भी नहीं पता होता। जितना बात यहां लिखा है उतना से हम जितना निष्कर्ष निकाल सकते थे निकाल लिए। अब ये डेटा दिया है और ये डेटा पूछ रहा है ए डॉट बी का वैल्यू, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी को जब आप ऐड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है याद करें, हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मींस दैट वेक्टर डॉट दैट वेक्टर। तो दिस मींस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए डॉट ए, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखते हैं। वी आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ करके एक वेक्टर बना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास है पहले से, देखिए फिर से लिख रहे हैं, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, जिसको हम टू टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होता है, प्लस बी डॉट बी विच इज बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, ये क्या है देखिए, ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बस केवल दूसरे तरीका से हम लिखती है। ये इसलिए दिखाना जरूरी है, ये जानते हैं हम सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी गुने कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिसको कि हम ए डॉट बी लिख सकते हैं।
अभी इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि हमको ए डॉट सी का वैल्यू दिया हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये बात। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखें, दिस वेक्टर इक्वल दिस वेक्टर, विच मीन्स देयर मैग्नीट्यूड्स विल ऑल्सो बी इक्वल, एंड दिस मीन्स सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हम उसको सिर्फ सी स्क्वायर लिख रहे हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी दो वेक्टर हो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, वही ए बी कॉस थीटा, और अगर यहां माइनस हो तो माइनस इक्वल टू राइट हैंड साइड हम स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, इधर हम रूट नहीं लिए। टू टाइम्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी फोर टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए हमको सी के मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए डॉट सी का वैल्यू भी दिया हुआ है। अच्छा, यानी ये जो कंडीशंस था इनका इस्तेमाल तो बाकी ही था, हम तो सिर्फ इस एक कंडीशन का इस्तेमाल करके ये बात लिखे थे, और इन दोनों कंडीशंस का हम इस्तेमाल सिर्फ तभी कर पाएंगे जब हम इस रूप में लिखते इसी रिलेशन में, क्योंकि इस रूप में लिखिएगा ना, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू सी, अब मॉड लीजिएगा तब उसके एक्सप्रेशन में ए डॉट सी दिखेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप मेरे बात को ध्यान से सुने। अब हमको m का वैल्यू निकल गया, ये 1 है, ये m स्क्वायर है, माइनस 2m इंटू 1 बाई 4 हाफ m है इक्वल टू 4, ये 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक तरफ इकट्ठा कर, इस प्रकार हमको m का वैल्यू निकल गया। सेवन कर दिए, माइनस 3 बाई 2 और 2, यानी सी वेक्टर इज इक्वल टू, एक विकल्प है 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी, या सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी। और अब निकालना क्या है, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कहां दिखता है, बस दिख तो रहा है, दोनों तरफ वेक्टर अगर कह रहे हैं कि इक्वल है तो दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फोर टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। अब आप ए बी सी का वैल्यू मैग्नीट्यूड जानते हैं, डालने पर ए डॉट बी का वैल्यू निकल जाएगा। इधर 1 इक्वल 1 बाई 4 इक्वल्स 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 बाई 4 माइनस 2 माइनस 7 बाई 4 इक्वल्स 2 टाइम्स माइनस 7 बाई 8 ए डॉट बी। और एक बार और, यानी दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ए डॉट बी का दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। यहां ए बी सी डी 4 यूनिट वेक्टर्स दिया है और ए डॉट सी का वैल्यू हाफ, यानी ए और सी के बीच का एंगल को थीटा कहें तो कॉस थीटा का वैल्यू हाफ, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, कॉस 60 इज हाफ,
उसके बाद एक स्टेटमेंट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, हाँ जैसे कि कोई एक वेक्टर ए रख दें वेक्टर बी रख दें, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी कीजिएगा ऐसे एक वेक्टर बनेगा ए क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं क्योंकि एंगल ए और बी के बीच में नहीं मालूम है, कुछ अल्फा कहें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन अल्फा, 1 × 1 × साइन अल्फा, दिशा होगा इधर, सो आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अनलेस एंड अंटिल आई नो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दो वेक्टर और है वेक्टर सी और वेक्टर डी, वो दोनों सबको हम एक ही जगह सटा के रखे हैं अगर यहीं पे, हमको नहीं मालूम है कि सी और डी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ए बी है, दैट वी डोंट नो। इतना पक्का जानते हैं कि कोई दो वेक्टर ले लीजिए वो तो एक प्लेन डिफाइंड हो जाए, तो हम ए बी सी डी सबको एक ही जगह सटा के रख दें तो ए और बी मिल करके तो एक प्लेन डिफाइन करेगा पक्का, सी और डी मिल करके एक प्लेन डिफाइन करेगा पक्का, एक सी क्रॉस डी वेक्टर का बात कर रहा है, हाँ मतलब ए और डी मिल करके भी एक प्लेन डिफाइन करेगा, बी और डी एनी टू वेक्टर्स विल नेसेसरीली डिफाइन अ प्लेन। हम यहां पे दो प्लेन इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहां स्टेटमेंट को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो प्लेन कंटेनिंग ए बी के नॉर्मल है, और सी क्रॉस डी एक वेक्टर होगा जो प्लेन कंटेनिंग सी डी के नॉर्मल होगा। हाँ अगर ये चारों वेक्टर एक ही प्लेन में हो ए बी सी डी तब तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी दोनों कोलिनियर हो जाएगा, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि प्लेन कंटेनिंग ए बी और प्लेन कंटेनिंग सी डी दोनों एक ही प्लेन में है कि दोनों अलग अलग प्लेन्स डिफाइन कर रहा है, दैट वी डोंट नो। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर वन आ रहा है, देन अब चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि तो बताइए इतने जानकारी पर आधारित कि ए बी सी तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनार है, दो वेक्टर के बारे में नहीं पूछा जाता है कि कोप्लेनार है कि नहीं है, दे आर ऑलवेज कोप्लेनार, तीन वेक्टर देंगे ना तब हम पूछेंगे कि तीसरा उन दोनों के प्लेन में है कि नहीं है, तो तीन वेक्टर के बारे में बोला जाता है कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनार एक ऑप्शन है, बी सी डी आर नॉन कोप्लेनार, बी डी आर नॉन कोलिनियर, ए डी आर पैरेलल एंड बी सी आर पैरेलल, चार में से जो ठीक लगे इसी में है, इसी जितना जवाब सब है ना ये सारा जवाब सब केवल एंगल्स का बात हो रहा है, खाली सोचिए कैसे जब आप बोलते हैं बी और डी कोलिनियर है कि नहीं, यानी बी और डी के बीच का एंगल जानना चाहते हैं, अगर एंगल जीरो है या 180 डिग्री तो दो वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर, ए डी पैरेलल है कि नहीं बी सी पैरेलल है कि नहीं भाई कोलिनियर है कि नहीं, तो फिर आप ए और डी के बीच का एंगल जानना चाहते हैं जीरो की 180 डिग्री, और ये सब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है और सी क्रॉस डी वेक्टर उन दोनों के बीच का जो एंगल है अगर मालूम हो जाए तो हमको इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल मालूम हो जाएगा, यानी ये सारा जवाब एंगल्स खाली पता लगाने का बात कर रहा है और सब इसी में कह रहा है कि है, तो देखते हैं चलिए हम कुछ कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा और सी और डी के बीच का एंगल है बीटा और दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है गामा, यानी उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है गामा,
तीन एंगल माने, ए बी के बीच एंगल अल्फा, सी डी के बीच एंगल बीटा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल गामा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दो वेक्टर को लेकर के एक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अभी ए बी वाला प्लेन और सी डी वाला प्लेन के बीच के एंगल को गामा माने हैं, जो यहां दिखाए हैं बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अब देखिए, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन अल्फा, 1 × 1 × साइन अल्फा इस तरफ। सी क्रॉस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन बीटा, 1 × 1 × साइन बीटा। और ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल गामा माने हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा इसका मैग्नीट्यूड साइन अल्फा गुने उसका मैग्नीट्यूड साइन बीटा इंटू कॉस गामा। साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा का वैल्यू कह रहा है कि 1 है। ये कंडीशन सब इस्तेमाल हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो 1 था तब ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप बोले 1 × 1 × साइन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हमको अल्फा बीटा गामा के बारे में जानकारी चाहिए, इसी में है क्या? इस सब का जो वैल्यूज है, वी ऑल नो कि फ्रैक्शंस होता है। अब तीन फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 1 हो ही नहीं सकता, तीन फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 1 तो हो ही नहीं सकता। यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन अल्फा का वैल्यू 1 हो, साइन बीटा का वैल्यू भी 1 हो और कॉस गामा का वैल्यू भी 1 हो, और कोई संभावना ही नहीं है ऐसा होने की। हाँ, -1 -1 1 हो सकता है, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमको साइन अल्फा का वैल्यू 1 लिखिए या -1 लिखिए, हमको अल्फा का वैल्यू π/2 लिखिए या -π/2 लिखिए, ये पता चल गया कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ये पता चल गया कि सी और डी परपेंडिकुलर है इन दोनों बात से, इससे पता चल गया कि गामा 0 है cos θ, यानी ए बी सी डी सब एक ही प्लेन में। अब एक प्लेन में, प्लेन ऑफ दी बोर्ड में देखिए, ए है, टेल सटा सटा के रख रहे हैं, बी है, परपेंडिकुलर है, ए और सी के बीच एंगल 60 डिग्री है, सी और डी परपेंडिकुलर है, यही ओरिएंटेशन है, सब एक ही प्लेन में है स्पेस में, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब जो जो सवाल पूछा है, इतना ही जानकारी इसमें था, हम लोग निकाल लिए, अब एग्जॉस्ट हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब जो सवाल पूछना है इतना ही में पूछना है। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनार, दैट इज रॉन्ग, बी सी डी आर नॉन कोप्लेनार, रॉन्ग, ऑल आर कोप्लेनार, बी डी आर नॉन कोलिनियर, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी नॉन कोलिनियर, हाँ ठीक है, अगर सी कोलिनियर होता ना ए के साथ तो डी भी कोलिनियर हो जाता बी के साथ, क्योंकि ए और सी के बीच एंगल 60 डिग्री है, तो बी और डी, तो B and D are non-collinear, that is correct. A and D are parallel. Vector A is parallel to vector D. Oh no, that is wrong. दूसरा देखने का जरूरत नहीं है, B and C are non parallel. That is the only option which is correct. ABC is a triangle. इन स्पेस ओ के रेस्पेक्ट में तीन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिया होगा, एक ट्रेंगल बन रहा होगा, ए बी सी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों पोजिशन वेक्टर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इस ट्रेंगल का, हम इस ट्रेंगल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी, हम पूछ सकते हैं एरिया निकालिए इस ट्रायंगल का, हाँ तो हम एक वेक्टर बना लें बी ए वेक्टर और एक सी ए वेक्टर, मान लीजिए बना के देखते हैं, बी ए वेक्टर बने ओ बी माइनस ओ ए, तो -3 0 -3 -3 0 -3 है ये वेक्टर, ए सी वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए,
ये नहीं दिया हुआ है, a माइनस टू फाइव टू और c माइनस फाइव, a माइनस टू टू और c माइनस, अगर a और c का वैल्यूज दिया होता तो हमको ये वेक्टर भी पता होता। अब तब एरिया निकालते हैं हम लोग हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर करते आई जे के लिख के इस तरह से, इस वेक्टर का कंपोनेंट्स, फिर उसका कंपोनेंट्स, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते वेक्टर आता, उसका मैग्नीट्यूड निकालते, उसको हम लोग हाफ से गुना करते तो हमको एरिया निकल जाता। खैर क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, एरिया निकालने नहीं बोला गया है। क्वेश्चन पूछा गया है इफ द मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए का मतलब बी सी के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें ए के साथ, हम उसका मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर जानते हैं कैसे, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग सीखे हैं कि कोई भी दो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर्स पता हो आर वन और आर टू, लाइन ज्वाइनिंग दोज टू पॉइंट्स, कोई भी एक पॉइंट पी का कहें कि पोजिशन वेक्टर बता दीजिए जो एम इज टू एन रेशियो में बांटता हो, तो इसका पोजिशन वेक्टर हम बता देंगे एम इन टू आर टू वैक्टर प्लस एन इन टू आर वन वैक्टर बटे एम प्लस एन, अगर मिड पॉइंट बोलिएगा तो दिस प्लस दिस बाई टू। तो चूंकि हम ओ सी का पोजिशन वेक्टर ओ ए का और ओ बी का सब दिए हुए हैं, यहां फिर से लिख रहे हैं टू थ्री फाइव, हम इस वेक्टर को लिख रहे हैं बी माइनस वन थ्री टू और सी ए फाइव स्मॉल सी, एम का जो पोजिशन वेक्टर होगा दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू एंड दिस प्लस दिस बाई टू यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और अब मीडियन थ्रू ए, इस वेक्टर का बात हो रहा है, हम उस वेक्टर को भी लिख सकते हैं दिस माइनस टू, अगर हम ए एम वेक्टर को लिखें तो दिस माइनस दिस कॉमा फोर माइनस थ्री कॉमा सी प्लस टू बाई टू माइनस फाइव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, c प्लस टू माइनस टेन सी माइनस एट बाई टू एंड a माइनस वन माइनस फोर ए माइनस फाइव बाई टू कॉमा वन कॉमा एट। क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन थ्रू a, यानी bc का जो मिड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करें a से, तो इस वेक्टर का बात कर रहा है। वो सवाल कह रहा है कि द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमको am वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शंस है एक्स वाई जेड इससे इक्वली इंक्लाइंड, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर इक्वली इंक्लाइंड है अल्फा बीटा गामा तीनों सेम हो गया, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों सेम, एलिमेंट सेम, यानी डायरेक्शन रेशियोज वन वन वन। यहां थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, यहां और एक कई दिशा है जो इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे टू डायमेंशन में अगर हम कहें कि कोई एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो ऐसा दो लाइन है जो बराबर झुका हुआ है, एक का स्लोप वन है और एक का स्लोप माइनस वन है। उसी तरह से थ्री डायमेंशन में ऐसा कितना लाइन्स है जो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर झुका हो, एक देखिए यहां दिख रहा है, ये जो थ्री डायमेंशन में आप जब एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं ये एक्स वाई प्लेन और ये जेड एक्सिस, तो जैसे यहां पे चार क्वाड्रेंट में बट जाता है, पूरा प्लेन चार हिस्सों में बट जाता है द मोमेंट यू ड्रॉ द रेफरेंस फ्रेम,
यहां 8 हिस्सों में बट जाता है पूरा स्पेस। एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा, चौथा, और एक्स वाई प्लेन के नीचे 4 हिस्सा, इनको हम ऑक्टेंट बोल लेंगे अब से। इस केस में बोलते थे क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम प्लस प्लस क्वाड्रेंट। आप समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव फॉर एवरी पॉइंट लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट। इसको माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, एंड इसको प्लस माइनस क्वाड्रेंट बोलेंगे। यहां पे हम इन ऑक्टेंट्स को के लिए भी एक साइन स्कीम बनाते हैं। ये एक्स वाई और जेड, उधर वाई दिखाए हैं, तो वो है प्लस 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 ऑक्टेंट। इस तरफ आइए, इस तरफ, तो माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। अब इस तरफ आइए, माइनस माइनस प्लस। अभी आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही हैं, तो इसीलिए जेड कोऑर्डिनेट सब अभी प्लस लिख रहे हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसी तरह से वेरी कर रहे हैं। यहां आइएगा तो प्लस माइनस एंड प्लस, ये खंदा ऊपर वाला, और नीचे वाला चारों खंदा को हम लोग इसके ठीक नीचे प्लस प्लस माइनस, सब में माइनस माइनस जेड कोऑर्डिनेट को खाली बदल दीजिए। अब एक लाइन ऐसा दिखेगा आपको इस दिशा में ऐसे, जो इक्वली इंक्लाइंड हो तीनों से, जो कंटिन्यू करेगा इस ऑक्टेंट में। उसी तरह से एक यहां दिखेगा जो कंटिन्यू करेगा नीचे तक ऐसे, फिर एक उस ऑक्टेंट से इस ऑक्टेंट की तरफ, एंड इधर से इधर। सो देर आर 4 सच डायरेक्शंस जिनको हम कहेंगे इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन चारों दिशाओं का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ये जानना आवश्यक है अत्यंत। जैसे टू डायमेंशन में हम जैसे ही कहेंगे कि दो एंगुलर बाइसेक्टर्स है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन दोनों का स्लोप्स क्या क्या है, कहीं बनाइए इनको एक ऐसा लाइन जो एक्स और वाई से बराबर झुका हो, कहीं बना लीजिए, तो स्लोप्स आपको पता है ना, एक का प्लस वन, एक का माइनस। वैसे इस केस में भी आपको पता होना चाहिए, अगर तीनों से बराबर झुका हुआ है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा एलिमेंट का। अगर इस ऑक्टेंट में है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक्यूट एंगल है, जब उस ऑक्टेंट में चला गया तब एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, अब वाई और जेड से एक्यूट, बट इधर से नेगेटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई माइनस अल्फा, यानी कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, विच इज अगेन माइनस कॉस अल्फा, यानी कि मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा। और हमको ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो हम अगर डाल दें यहां एम के जगह मॉड एल, एन के जगह मॉड एल, तो हमको एक रिलेशन आ गया 3L² मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी एल मे बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3m प्लस माइनस 1/√3n प्लस माइनस 1/√3, यानी कि कितना तरह का डायरेक्शन कोसाइन आया है, विकल्प सब लिख रहे हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3, तीनों प्लस ले लिए 1/√3, 1/√3, 1/√3, माइनस 1/√3, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है इन सब संख्याओं का, 8 बनेगा, 2, 2, 2 और 2, 2 × 2 × 2, 8 कॉम्बिनेशन। हम अभी इस नंबर को पॉजिटिव रख रहे हैं और इन दोनों को प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस लिख रहे हैं। एक बार अगली बार हम इस नंबर को माइनस 1/√3 ले लेंगे और इन दोनों को प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस लिखेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देर आर 8 सच डायरेक्शंस, पर 8 नहीं है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि
एलिमेंट दिशा और माइनस एल माइनस एम माइनस एन दिशा दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग में, यानी ये और ये एक ही है, वही जो उस ऑक्टेंट से शुरू होकर के कंटिन्यू करे नीचे में, वही इधर दिशा लिखेंगे तो प्लस 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 लिखेंगे, ई माइनस 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 हो जाएगा। सो दीज आर नॉट टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, एंड उसी तरह से एक्चुअली यहां चार है, तो उन चारों का दिशा हम लोग को याद होना चाहिए। चारों का दिशा क्या क्या आया है, वन 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 प्लस प्लस, वन माइनस वन वन, माइनस वन वन वन, माइनस वन माइनस वन वन, बस हो गया। अब इसको माइनस लिख करके अब फिर से ये कॉम्बिनेशन मत बनाइए, क्योंकि वो सब सेम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस। अभी इस सवाल में स्पेसिफिकली कहा गया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड एक्सिस से ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, यानी ये वन 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 है इसका दिशा, यही कहा जा रहा है सवाल। अगर हम कहते कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस से और नेगेटिव जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तब उसका दिशा वन वन माइनस वन लेते या माइनस वन माइनस वन वन लेते, जो कि ये है, दोनों में से कोई लीजिए एक ही बात। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। अभी इस सवाल में कहा है कि ए एम वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी उसका दिशा वन 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 है, इसी के पैरेलल है, यानी दिस बटे वन इक्वल दिस बटे वन इक्वल दिस बटे वन, ए माइनस फाइव बटे टू बटे वन इक्वल वन बटे वन इक्वल सी माइनस एट बटे टू बटे वन। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड देर आर टू अननोन्स ए एंड सी। यहां से हमको ए का वैल्यू आ गया सेवन और सी का वैल्यू आ गया टेन। अब तब क्वेश्चन पूछे हैं कुछ टू टाइम्स ए माइनस बी का वैल्यू बता दीजिए, लिखना था। एबीसी इज अ ट्राइंगल स्पेस में और उसके तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर्स हम दिए हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए। एक ट्राइंगल बनेगा एबीसी स्पेस में है, हम बगल में लिख रहे हैं कोई रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ओ ए ओ बी ओ सी। हमको तीनों वर्टिसेस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप 3D से ही बना सकते हैं इस सवाल को। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने कोऑर्डिनेट्स दिया है, बी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है माइनस वन थ्री टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और सी का भी दिया है फोर वन माइनस थ्री। ए से पास करने वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर, इस वेक्टर का लंबाई चाहिए। इस एंगुलर बाइसेक्टर का लंबाई चाहिए। तो अगर हम एडी वेक्टर खोज लें तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एडी वेक्टर कैसे खोजेंगे? हमको अगर एसी वेक्टर पता हो, हाँ पता है, जीरो जीरो और माइनस फोर। अगर ए बी वेक्टर पता हो, हाँ पता है, माइनस टू टू एंड वन, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यहां फोर है तो ये थ्री हो जाएगा। और अब हमको डी पॉइंट किस रेशियो में बांटता है अगर पता हो, तब हम सेक्शन फॉर्मूला से एडी वेक्टर लिख लेंगे। अगर ये एम इज टू एन रेशियो पता हो तो दिस वेक्टर विल बी एम टाइम्स दिस प्लस एन टाइम्स दिस बटे एम प्लस एन। और ये रेशियो हमको पता है, क्लास टेंथ से ही पता है, ये और ये साइड लंबाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो
इन दोनों साइड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगा। एंगुलर बाइसेक्टर का तो यही प्रॉपर्टी, हम ये लंबाई निकाल लेते हैं, रूट अंडर 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 इज टू रेशियो निकल रहा है, लंबाई 5 नहीं है, और ये लंबाई रूट अंडर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 3 5 इज टू 3 रेशियो में है। ये चित्र तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लंबा ऐसे ही बना है, टू द स्केल थोड़ी बना है। अब हम एडी वेक्टर को लिख लेंगे, 5 टाइम्स इतना मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, माइनस 10 10 5 प्लस 3 टाइम्स इतना माइनस 3 टाइम्स इतना 9 0 माइनस 12 और डिवाइड कर देते हैं 8 से, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 10 प्लस 0 एंड 7 माइनस 7 बटे 8 1 बाई 8 बाहर लिख रहे हैं। एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए विच इज 1 बाई 8 इंटू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इट इज 150 का स्क्वायर रूट, जिसको 25 इंटू 6 लिख सकते हैं, 5 रूट 6 बटे 8। PQR is a triangle, QR वेक्टर को A कह रहा है, PQR इस वेक्टर को A कह रहा है, वेक्टर A, RP वेक्टर को वेक्टर B कह रहा है, और PQ वेक्टर का नाम रखा है वेक्टर C। ओके, इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम तुरंत एक रिलेशन लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 0 दिया हुआ है। There are three vectors A, B, C which are arranged in the form of a triangle। अच्छा, ये अलर्ट रहना है, अगर QP वेक्टर को C लिख देता तब ये रिलेशन नहीं होता, तब कहते वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C बराबर 0, उसी दिशा में है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो जहां से शुरू किए वहीं पे समाप्त हो गया, तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए का लंबाई दिया है 12, अच्छा ए इज गिवन टू बी 12, बी का लंबाई दिया है 4 रूट 3 ए लंबाई, और बी और सी का डॉट प्रोडक्ट दिया है 24। अब कुछ क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, अच्छा वो सबको देखेंगे, पहले जरा देखें कि हम इस जानकारी को कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसको लिख लें, अगर b प्लस सी इक्वल्स माइनस ए, अब हम दोनों तरफ मॉड ऑफ दिस इक्वल टू मॉड ऑफ दिस लिख सकते हैं ऐसे, और अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डॉट सी बराबर ए स्क्वायर, इससे हमको सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। बी स्क्वायर की जगह लिख दें 48 प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर 144, सी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 96 48, यानी C का वैल्यू हो गया 4 रूट 3, प्लस माइनस मत लिखिएगा क्योंकि यहां C वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तब आपको ये मिल गया कि ये लंबाई बराबर है और ये है 12। अब देखें क्वेश्चन का पहला पार्ट, सी स्क्वायर बटे 2 माइनस ए का वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर बटे 2 माइनस ए का वैल्यू 12 आता है, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो वी विल नॉट टेक इट। सी स्क्वायर बटे 2
प्लस ए का वैल्यू चाहिए, 24 + 12 = 36 आ रहा है, इट डज नॉट मैच, तो ये भी टिक नहीं करेंगे। अब उसके बाद लिखा है एक ऑप्शन ए डॉट बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ए डॉट बी का वैल्यू कहां से मिलेगा, इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को इक्वेट करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी बराबर सी स्क्वायर, और अब ए डॉट बी का वैल्यू निकल जाएगा 48 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू भी 48 है, अब माइनस 144 बटे 2 विच इज माइनस 72, ये एक ठीक लग रहा है। अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो इसको भी देखना ही पड़ेगा, देखते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर, वो तो समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर, जैसे इस समय इस चित्र में ए वेक्टर को आगे बढ़ाइए ताकि बी के टेल के साथ कोइंसाइड करे, तब ए क्रॉस बी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक वेक्टर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनटू हाफ वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बराबर होता है, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 times एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुआ, और वो वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड है, उसमें ऐड करने बोल रहा है एक वेक्टर को C क्रॉस A, माने A क्रॉस B देख करके, अगर ए बी सी ट्रायंगल का साइज है तो A क्रॉस B देख करके तुरंत समझ में आना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट्स एरिया 2 times, और जो दूसरा वेक्टर को ऐड करने बोल रहा है वो C क्रॉस A, C वेक्टर को आगे बढ़ाइए ताकि C क्रॉस A भी बाहर है, अच्छा, और उसका मैग्नीट्यूड A से मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोई भी 2 sides को क्रॉस कर लीजिए, मॉड लेके हाफ से मल्टीप्लाई, यू गेट द एरिया। तो यानी कि यहां 2 vector को कह रहा है ऐड कीजिए, जो दोनों वेक्टर कोलिनियर है बाहर की तरफ है, एक बाहर एक अंदर नहीं, ये यहां पे अगर ए क्रॉस सी लिख देता तो वो वेक्टर अंदर हो जाता, ए क्रॉस बी बाहर, तब उसका वैल्यू 0 हो जाता, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का विपरीत दिशाओं में ऐड करते ही वो वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो जाता है, लेकिन यहां 2 vector है, कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐड करने पर 2 times एरिया और 2 times एरिया जुट करके 4 times एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बराबर होगा ए आंसर। अब खाली एरिया निकाल लीजिए, ये लंबाई 4√3, ये लंबाई 4√3, ये 12। एरिया निकालने के लिए हम कोई एक एंगल निकाल लें, तो हाफ इंटू दिस इंटू दिस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, या अभी कुछ सिंपलर काम कर लेते हैं, हम ये लंबाई निकाल लेते हैं हाइट, ये लंबाई 12 है, ये लंबाई 6 होगा यहां से वहां तक, ये लंबाई हो गया रूट अंडर 48 माइनस 36 रूट 12, और एरिया हो गया हाफ टू 12 इंटू रूट 12, यानी 6 times रूट 12, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, 12√3 एरिया हो गया, इसको 4 से गुना कर दीजिए तो 48√3 हो गया, और दैट्स ऑल्सो करेक्ट देन, तो 2 answers करेक्ट हो गया। बड़ा सुंदर था ये वाला पार्ट, और यहां अलर्ट भी कर दिए, अगर यहां पे ए क्रॉस सी लिख देते तो इसका आंसर 0 होता। तीन वेक्टर दिया है ए बी और सी, डी एक यूनिट वेक्टर है सच दैट ए डॉट डी इज 0, मतलब डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, और बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, यानी डी
is coplanar with the two vectors b and c. A भी उसी प्लेन में है कि नहीं, बी सी के प्लेन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे ऐसे ही बोलें कि जरा चेक कीजिए तो कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं, ऐसे ही क्योंकि बी सी के प्लेन में डी है, सवाल के अनुसार बी और सी के प्लेन में ही एक तीसरा वेक्टर है डी, और डी ए के परपेंडिकुलर है, ए कहीं और भी हो सकता है, हो सकता है ए भी बी सी के प्लेन में हो, तो हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि ए बी और सी को प्लेनार है कि नहीं, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाता है, यानी ऐसे 1 -1 0 0 1 -1 और -1 0 1, इसको हम अगर एक्सपेंड करें वैल्यू जीरो आ गया तो मतलब ए भी को प्लेनार है, पता नहीं कि इस सवाल में उस बात का आवश्यकता भी है कि नहीं, ऐसे ही चेक करेंगे 1 × 1 -1 × 1 और +0 0 आ गया, यानी कि ये तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन में है। आई रिपीट, हमको नहीं पता है अभी कि इस जानकारी का आवश्यकता पड़ने वाला है भी कि नहीं, बी वेक्टर सी वेक्टर सब एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में हम बना रहे हैं, अब पता चला कि ए भी एक वेक्टर है इसी प्लेन में, हम सबका टेल सटा के रख रहे हैं एक ही जगह, आप कहीं कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं, अब मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, √2 √2 एंड √2, डी एक यूनिट वेक्टर है जो इसी प्लेन में है, यहां से पता चला, और ए के परपेंडिकुलर है, इसी प्लेन में ए के परपेंडिकुलर भी दो पॉसिबिलिटी है, इधर हो सकता है डी या इधर हो सकता है। चलिए, तब कहता है डी वेक्टर खोजिए, हम डी वेक्टर को मान ले रहे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ढूंढना है, वी विल नीड 3 इक्वेशंस, तो हम डी एक यूनिट वेक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मस्ट इक्वल 1, डी ए के परपेंडिकुलर है यानी एक्स माइनस वाई मस्ट इक्वल 0, एंड डी कोप्लेनार है बी और सी के साथ, तो डी बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0 एक्स वाई जेड, 1 × x 1 × y प्लस जेड इंटू 0 -1 प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके डी वेक्टर ढूंढ सकते हैं, y के जगह अगर हम x लिख दें तो z बराबर -2x, सबको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x² बराबर 1, x बराबर +-1/√6, y बराबर +-1/√6, z बराबर -+1/√6, क्योंकि आप यहां y के जगह x डाले थे तो z बराबर -2x आया था। अब ये समझना ये है कि जब आप x का वैल्यू प्लस लेंगे तो y का वैल्यू भी प्लस लेंगे, लेकिन z वाला माइनस लेंगे, यानी दो पॉसिबल आंसर्स आ गए, एक 1/√6 1/√6 एंड -2/√6, और एक आंसर हो गया -1/√6 -1/√6 +2/√6, दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। एक वेक्टर ए दिया हुआ है 1/√5 -1/√6
2/5, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी 2/14, 1/14, 3/14, इसमें z कंपोनेंट और वेक्टर ए का z कंपोनेंट दिया है 0/5 हम लिख रहे हैं। ये दोनों वेक्टर के बारे में कुछ चीज तुरंत दिख रहा है हमको, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। देखिए इसमें 1/5 कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो वेक्टर ए है 1-2, 0, और वेक्टर बी में 1/14 कॉमन ले लीजिए तो 2-1, 3 है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2² + 1² + 3² रूट अंडर इनटू 1/14, सो दिस इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड 1। यानी आपको देख के ये तुरंत पता चल जाना चाहिए था कि दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। सवाल में पता नहीं इस जानकारी से कोई फायदा होगा कि नहीं, बट दिख जाना चाहिए वेक्टर का दिशा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुरंत दिखना चाहिए। ये दिया हुआ है, अब कुछ पूछे हैं। 2a + b एक वेक्टर है, a × b एक वेक्टर है, और a − 2b एक वेक्टर है, और उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे हैं। 2a + b, a × b और a − 2b, इसी का वैल्यू पूछे हैं। इस वैल्यू को हम अगर s कह दें तो हमको s का वैल्यू निकालना है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, डॉट और क्रॉस के पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, हम यहां भी लिख सकते थे ये, यहां इसको संक्षेप में हम लोग ऐसे लिखते हैं और कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमको इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये तो मुश्किल नहीं लग रहा है, इसलिए कि वेक्टर दिया है, इसको 2 से गुना कर दें और b में ऐड कर दें तो हम ये वेक्टर एग्जैक्टली लिख सकते हैं। a × b कर सकते हैं, जैसे 2a + b हम करके दिखा रहे हैं, 2/5 + 2/14, -4/5 + 1/14, 0/5 + 3/14, ना इतना आसान नहीं है। अब आपको जब ये वेक्टर यहाँ लिखेंगे, जब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट बनाते हैं, एस का वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिखेंगे। अभी इतना आसान सा नहीं है नंबर्स। फिर आप a × b करेंगे, a × b करना तो 1/5 × √14 तो बाहर हो जाएगा, और ij लिख के 1-2, 0, 2, 1, 3। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल होगा क्योंकि आप ये होगा -6, -3, 5 बटे इतना, तो वो बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट के, तो -6, -3, 5। ये रो थोड़ा सिंपल है। फिर लास्ट रो a − 2b, वो भी कठिन है, इसी तरह का नंबर्स आएगा अंदर में, कुछ कॉमन लेकर के निकाल नहीं सकते। अब फिर उस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपेंड किए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी यद्यपि कि ये क्वेश्चन बड़ा सरल लग रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर आसान नहीं है। सो व्हाट विल वी डू, वी हैव रियलाइज्ड कि जितना लग रहा था आसान उतना है नहीं। तो हम लोग अपना प्रॉपर्टी सब याद करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। हम इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए कुछ सी बोल दे रहे हैं। अब याद रखना है कि हम a × b को c बोले हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के अनुसार
अब इसको हम चार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2a, c और a प्लस 2a, c और माइनस 2b प्लस b, c, a और प्लस b, c और माइनस 2b. स्केलर कम्स आउट, अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर अगर सेम लिखा हो, कोई दो, जैसे ये ए सी ए लिखा है, इसका वैल्यू कितना होगा? आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइक्लिक ऑर्डर में घुमा के, ए ए सी, इसका वैल्यू जीरो हो गया, ए क्रॉस ए डॉट सी. इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल दिखे तो उसका वैल्यू तुरंत जीरो लिखना है. सो दिस टर्म वैनिशेस, दिस टर्म वैनिशेस, यहां माइनस टू बाहर आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी और दो वेक्टर सेम है, यही दोनों बचा. इनमें से माइनस टू इंटू टू यहां माइनस फोर लिख देंगे. और अब इसको अगर हम अदला बदली कर दें ऐसे, ए को रहने दें, अब बी सी को पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्लस 4abc हो जाएगा. और इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दें तो ये abc ही लिखा है, यानी कुल मिलाकर के ये 5 टाइम्स abc में सिंप्लीफाई हो गया. और अब हम इसको a क्रॉस b डॉट C, जो कि ए क्रॉस बी है, देखेंगे. और एनी वेक्टर डॉट द सेम वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. एनी वेक्टर डॉट इटसेल्फ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर. बस अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना है. ये तभी कर पाएंगे जब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गुने साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जानते हों, या हम ए क्रॉस बी करें इस तरह से डिटरमिनेंट के रूप में लिख करके एक्सपेंड करें, यह हो जाएगा, मुश्किल नहीं है. ए क्रॉस बी करने के लिए 1 बाई रूट 5 इंटू 1 बाई रूट 14 बाहर आ जाएगा. और सेकेंड रो में लिखेंगे 1 माइनस 2 0 और लास्ट रो में 2 1 3 क्रॉस कर रहे हैं. अब 1 बाई रूट 5 इंटू रूट 14 टाइम्स आई वाला कंपोनेंट होगा माइनस 6, जे वाला कंपोनेंट होगा 0 माइनस 3 और के वाला कंपोनेंट होगा 1 माइनस माइनस 4 यानी कि 5. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है बस वही निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 बाई रूट 5 रूट 14 इंटू रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, विच इज 36 प्लस 9 45 प्लस 25 70, रूट 70 बाई रूट 70, 5 इंटू 14 यानी इक्वल टू 1. तो हमको चाहिए उसका स्क्वायर, यहां डालेंगे और आंसर आ गया 5. अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होते तो ये नहीं करना पड़ता. देखिए हमको दिख गया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है और एंगल भी दिख गया था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 आई, तो लास्ट टर्म 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 आ रहा था, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, यानी साइन 90 था ये. तो हम थोड़ा इससे बच जाते, बट
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब बात आपको दिखी जाए, वो काफी प्रैक्टिस के बाद दिखना शुरू होता है। चलिए आज यही बात करते हैं।